किसानों के समर्थन में आज एक बार फिर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसद एकजुट हुए। सबसे पहले संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए बस तक आए और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद बस से जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इसके बाद किसानों का समर्थन करने के लिए किसानों की संसद में पहुंचे। इस दौरान किसानों के बीच राहुल गांधी बैठे नजर आए तो एक बार फिर विपक्ष एकजुट किसानों के सम्मान में विपक्षी नेता मैदान में उतरे और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर विपक्ष एकजुट हुआ है। जंतर मंतर में किसान संसद चल रही है, वहां राहुल गांधी गए, वहां किसानों के बीच में बैठे हुए नजर आए। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों के समर्थन में विपक्ष एकजुट हो गया है। जंतर मंतर पर विपक्ष का हल्ला बोल। तो राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष आज एकजुट हुआ है और जंतर मंतर ये विपक्ष गया किसानों के समर्थन में। किसानों की जो किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर, कृषि कानून का विरोध और इसी विरोध का समर्थन करने के लिए पूरा विपक्ष अब एकजुट हुआ है। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। राहुल गांधी पहुंचे किसान संसद में, किसानों के बीच बैठे हुए नजर आए और किसानों का समर्थन वो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। न्यूज 24 से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस संसद में किसानों की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर भी लड़ेंगे। सुनिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हैं। सर, संसद में तो आप लोगों ने लड़ाई लड़ ही रहे हैं, सड़क पर अब किसानों की लड़ाई कैसे लड़ेगी कांग्रेस? जैसा कल आपने देखा वैसी लड़ाई हमारी शुरू हो गई है। लेकिन सर, MSP के मुद्दे हों, सरकार को लेकर सरकार बिल्कुल ठेठ रवैया अपनाई हुई है, अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, आप लोग करें रद्द करें, आखिर रास्ता कैसे निकला? सर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेल्फ गोल कर रहे हैं विपक्षी। किसान और विशेषकर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न UP और देश का किसान बेवकूफ़ नहीं है, जो 8 महीने से अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, उनके पूरा परिवार खेत पर काम करता है, वो मूर्ख नहीं है। नहीं सर, 5 राज्यों के चुनाव में क्या आप लोग मैनिफेस्टो जो बनाएंगे, क्या चूंकि RLD ने कहा कि वो पार्टी तय करेगी? तो दिग्विजय सिंह हैं और कह रहे हैं कि संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क में भी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, पार्टी इसको जल्द से जल्द तैयार करेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24, दिल्ली।